चीन में कोरोना से हाहाकार है तो दुनिया भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए। नए साल के जश्न से पहले केंद्र सरकार ने भी लोगों को आगाह किया है। सरकार लोगों को लगातार आगाह कर रही है। राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स अलर्ट पर हैं। चीन समेत 5 देशों में आने वालों से का जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई संक्रमित मिला तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। मंगलवार को कोरोना की तैयारियों का मॉक ड्रिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पतालों का जायजा लेंगे। चीन में बीते 20 दिनों में 25 करोड़ केसेस आए हैं। जी हां, डेटा लीक हुआ जो कि सामने आया और 25 करोड़ केसेस। हालात गंभीर हैं और भी देशों में। जापान में स्थिति अच्छी नहीं है। कोरिया में, अमेरिका में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी कुछ इसी तरह के केसेस आ रहे हैं। जापान में भी हालात बहुत खराब है और इन 5 देशों से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर अनिवार्य है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की सलाह दी गई है कि अब अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। मंगलवार को एक मॉक ड्रिल की तैयारी है कि अगर भारत में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो हम कितने तैयार हैं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। 4T का मंत्र दिया गया है, टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टीका। जीनोम सिक्वेंसिंग पर भी जोर की जो आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर जीनोम सिक्वेंसिंग भी हो ताकि आप और ज्यादा इस वेरिएंट को रीड कर पाएं। मास्क और 2 गज की दूरी और सफाई, ये तो प्रोटोकॉल है, आपको इसका पालन करना ही चाहिए कि मास्क लगाए रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तुरंत अगर वैक्सीन नहीं लगवाए तो वैक्सीन लगवाएं। अब बूस्टर डोज आप लगवाएं। कोविड से 2-2 हाथ के लिए एक मेगा प्लान तैयार है। अब अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल की तैयारी है। राज्य सरकारों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, ये वो देश है जहां से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा।